नहीं दूंगी और स्कूल भी बंद करूंगी और देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता है। क्या 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिलेगी? मर्चेंट, हमने तो गलत टाइम पे फैमिली प्लानिंग कर ली। मेरे को बॉस ने यहाँ भेजा तुम्हें ऑफर करने के लिए ताकि तुम हमारा चैनल ज्वाइन कर लो। मैं और चैनल, मैं आपके यहाँ तब ज्वाइन कर पाऊंगी जब आप मेरे साथ साथ मेरे कुछ साथी टीचर्स को भी जॉब देंगे। ठीक है, रख लेता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन मैं कम से कम 2 महीने के लिए सैलरी नहीं दे पाऊंगा। 2 महीने तक सैलरी नहीं दे पाऊंगा तो फिर हम खर्चा कैसे करेंगे? मेरी तो यही शर्त है, बोलो हायर या फायर। ठीक है सर। अरे एक मिनट बैठो। अरे बैठो। तुम्हें तो सैलरी मिल ही रही है ना, है जी? लेकिन सर, मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। या तो आप उन्हें भी सैलरी दीजिए या मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ। सॉरी सर। अरे एक मिनट। आई लाइक योर लीडरशिप क्वालिटी। मेरे पास एक ऑफर है, मिल जाएगी सबको सैलरी। अरे नहीं, सैलरी नहीं दूंगा। फिर अगर मेरे चैनल के दर्शक बढ़े तो मैं सबकी सैलरी 20% बढ़ा के दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? है जी? नहीं, मैं सबके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। सॉरी। अरे एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं अपना ऑफर और बढ़ाता हूँ। अगर चैनल के दर्शक बढ़े तो मैं सैलरी 20+20 40% बढ़ा दूंगा। बधाई हो। नाना। देखिए, जब रोहित जैसे एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट ऐसा नहीं कर पाए तो सॉरी रोहित, लेकिन सॉरी सर, मैं रिस्क नहीं ले सकती। सॉरी। एक मिनट। मेरे पास एक पंपर ऑफर है। अगर मेरे चैनल के दर्शक बढ़ते हैं तो 40% सैलरी के साथ साथ प्रॉफिट में भी। दस परसेंट हिस्सा दूंगा। 10% हिस्सा दूंगा। आलिया, आई थिंक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? हाँ, देखो इसे हाथ से मत जाने दो। और मैं हूं ना। अरे ये है ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये कर रहा है ना सर, काफी पैसे बन जाएंगे, डोंट वरी। बोलो, मंजूर है? हमने तो गलत टाइम पे फैमिली प्लानिंग कर ली। अब तो गजक पट्टी का ही ठेला लगाना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर है। गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को फायर किया है, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों को हायर कभी नहीं किया। वेलकम टू देश की धड़कन। कराई आप नौकरी की बात आलिया जी? हाँ, और सिर्फ अपनी नहीं, मैं आप सबकी नौकरी लगवा के आई हूँ रोहित के चैनल में। चैनल में हम क्या करेंगे, चाय पिलाएंगे? ना, हमें वहाँ जर्नलिस्ट की जॉब मिली है, उन्होंने हम सबको नौकरी दे दी है। जर्नलिस्ट, वो जो टीवी पर आते हैं, मतलब रिपोर्टर? हाँ बाबा वही, मतलब हम रिपोर्टर बनेंगे। क्या मजाक कर रहे हो यार जालिम, हम तो वीडियो कॉलिंग में भी शर्माते हैं। कैमरे पे कहाँ, याद है ना वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियो बनाते वक्त हम पढ़ाते कम शर्माते ज्यादा थे। अरे कोशिश तो कीजिए राजेश जी, आजकल तो बच्चा बच्चा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा है, रिपोर्टिंग में भी ज्यादा अंतर नहीं है। आलिया जी, ये अति दुष्कर, कठिन, क्लिष्ट और अभेद कार्य है, आप समझ रही है ना? देख लो, ये पूरे हिंदुस्तान का दिमाग खराब करेंगे, ये करेंगे रिपोर्टिंग। आप
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अगर पैसे अच्छे हैं तो काम चलाने के लिए ट्राई तो कर सकते हैं ना। हाँ आलिया जी, सैलरी कितनी है? सैलरी नहीं है। सैलरी नहीं है? वाह, बहुत कमाल का पैकेज लेके आई है। ना ना, उनकी शर्त है, वो हमें 2 महीने तक सैलरी दे नहीं पाएंगे। लेकिन 2 महीने बाद वो सैलरी के साथ साथ हमें प्रॉफिट का शेयर भी देंगे। अब आलिया जी, मैं बस मतलब ये सोच रहा था कि अगर वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं चला पा रहे हैं चैनल, तो हम लोग मतलब कैसे? हाँ आलिया जी, हमें सिर्फ न्यूज देखना आता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। करेक्ट। सत्संगी जी, ट्राई करने में क्या है, अगर चैनल चल गया तो हमारा ही फायदा है ना। माफ कीजिए आलिया जी, कुएं में मत कुदवाइए। अरे जैसे तैसे हम खुद ही अपनी चला लेंगे गाड़ी। आलिया जी, आपने हमारी नौकरी के लिए बहुत प्रयत्न किया, हम आभारी हैं आपके, परंतु हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्षमा कीजिए। नहीं चतुर्वेदी जी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। कर तो लें, अंतरात्मा नहीं स्वीकार कर रही है ना, तो क्या करें। जी आप क्षमा कीजिए, हमें नहीं कर सकते। चतुर्वेदी जी, आलिया जी रहने दीजिए, हम अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। आपने हमारे लिए सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई। नहीं सत्संगी जी, आप लोग। आलिया बेटी, हमको भी माफ कर देना। शालिनी बेटी, तुम लोग भी आओ। नहीं नहीं, एक मिनट। राजेश जी, आप मुझे अपनी बहन मानते हैं ना, तो आप तो मुझे भरोसा कीजिए। आप पर तो भरोसा है आलिया जी, लेकिन खुद पे नहीं है। ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं शालिनी, राबिया तू तो है ना मेरे साथ? नहीं आलिया, इस बार मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ कोई है जिसका ख्याल मुझे सबसे पहले रखना है। तेरी हर बात में बिना सोचे समझे तेरा साथ दिया है मैंने, लेकिन इस बार नहीं दे पाऊंगी। चलो मास्टर। राबिया, किस्मत ने इनको पिज्जा दिया, लेकिन नहीं इनको खाना नहीं है, इन्हें तो जनता को बांटना है। वाह, पिज्जा? पिज्जा किसने मंगवाया? एक बेटी गजब, एक उनकी अम्मा महागजब। नौकरी की बात कर रहे हैं, इनको नौकरी मिली थी लेकिन इन्हें करनी नहीं है। बड़ी महान है ना हमारी मैडोना। मम्मी, आलिया सबके बारे में सोच रही है, इसमें गलत क्या है? बेटा एक काम करते हैं, मैडोना का ना मंदिर बनवा लेते हैं, सवेरे शाम जाएंगे उस पर मत्था टेकेंगे। अरे जब उन लोगों को नौकरी करनी नहीं है तो तुम काहे उनके पीछे पड़ी हो? क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब तक उनकी जॉब नहीं लगेगी मैं भी जॉब नहीं करूंगी। उनकी 2 महीने की सैलरी भी मेरे कारण कट गई। अरे लेकिन बेटा, जब वो नौकरी के लिए तैयार ही नहीं है तो क्या कान पकड़ के करवाओगी तुम? पता नहीं मम्मी, महामारी का दौर है, नौकरी मिलना ऐसे ही मुश्किल हो रखा है। इस समय में मैं सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं सोच सकती। लेकिन आलिया, तुमने कोशिश कर तो ली, अब और क्या करोगी? एक आखिरी कोशिश।
घटिया, नान खटाई बेच रहे हैं क्या? अरे भाई की दुकान तो लगा है ना आपको, जरा नजाकत से अच्छे से करिए करिए। नजाकत नजाकत हाँ नजाकत जरी वाली साड़ी, रंग बिरंगी साड़ी, आप जब ये साड़ी पहनेगी और जब चलेगी तो भाई साहब देख के क्या लिपट जाएंगे। सही से करिए, नजाकत कहा ना, नजाकत नजाकत नजाकत। सॉरी मैं बाद में आती हूँ। मैं हूँ सत्संगी केमिस्ट्री टीचर। ओ, हम लोग का घर 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 खेल रहे थे, घर घर। हाँ। अरे वाह, आलिया जी आई हैं, सबकी चहेती आलिया जी है ना। अरे आइए ये बैठिए, क्या लेंगी आप, चाय कॉफी ठंडा? मामा अजी सुनिए, एक काम कीजिए ना, अंदर जाकर जो हम नहीं लाए ना वो वाली नमकीन लेकर आइए। अरे नहीं नहीं, आपको चाय पसंद है तो चाय के साथ पकौड़े पकौड़े चलेंगे। नहीं लेकिन नहीं, इनको देखकर याद आया, 2 महीने से सैलरी नहीं हुई ना आपकी वजह से, नौकरी भी चली गई, लेकिन खैर अब आ ही गई है तो बैठ ही जाइए, बैठी बैठी। ना ना भाभी, मैं तो बस चैनल की नौकरी के बारे में बात करने आई है ना, कोई फायदा नहीं क्योंकि इनकी नौकरी हमने भैया की दुकान पर पक्की करवा दी। तो कौन सा तीर मारा है, केमिस्ट्री टीचर से साड़ी बिकवा रही हो? तो क्या हुआ, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनकी कितनी सारी दुकानें किराए पर चढ़ी हैं। नहीं, जो कह रही हूँ ना वो करो, समझे? आलिया जी वो मैं अभी ना, कोई बात नहीं सत्संगी जी, आप करिए, जाने दीजिए मेरी बात। वैसे ये काम भी नया ही है आपके लिए, पर देखकर खुशी हुई आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट सत्संगी जी। भाभी आप हमारी मुद्रा वापस कीजिए। कौन सी मुद्रा? ये वाली मुद्रा नहीं, हम इस मुद्रा की बात कर रहे हैं जो आपने ऋण के रूप में ली थी, तत्काल प्रभाव से वापस कीजिए, अंतिम बार कह रहे हैं हम। ये अंतिम बार कह रहे, समझ नहीं आ रहा है क्या? आप कैसे कह सकते हैं, पैसे हमने दिए हैं। चलिए ठीक है, ये अंतिम का अंतिम बार है आप। अरे नहीं दूंगा, क्या कर लोगे यार, धमकी धमकी। आप हमारी मुद्रा वापस कीजिए, अंतिम बार कह रहे हैं हम। अंतिम के अंतिम बार कह रहे, नहीं देंगे। हे प्रभु, ये किस तरह का छल कपट हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे और अपने बीच में प्रभु को क्यों घुसेड़ रहे हो? तो मुद्रा दीजिए। नहीं देंगे यार। अरे हमारी मुद्रा है। एक मिनट, अरे किसका मुर्दा नहीं मिल रहा? मुर्दा, अरे मुद्रा मुद्रा आलोक जी, 1 वर्ष पहले इन्होंने हमसे 10,000 की राशि ऋण के रूप में ली थी, अब हम वापस मांगने उनको लौटा नहीं रहे। अरे तो वापस क्यों नहीं लौटा रहे उनको आलोक जी? मतलब दे दो ना यार वापस। नहीं देंगे, क्या कर लोगे? अरे आप एकदम चुप रहिए। आलोक जी मैं बताता हूँ, मुझे ना एक प्राइवेट फर्म में डाटा एंट्री की नौकरी मिल गई है। अच्छा। हाँ, अब उसमें ना सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे। मैंने इनसे कहा भैया पहली सैलरी मिलते ही मैं आपको दे दूंगा, इनको समझाया लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है, महान व्यक्ति है। नहीं समझेंगे और ना समझेंगे हमको, क्यों समझे? आलोक जी एक बात बताइए, हमें भी सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है लेकिन उस पद को प्राप्त करने के लिए हमें असंवैधानिक रूप से थोड़ा सा और थोड़ा बच्चा पैदा करना पड़ेगा। घूस? अरे तो नौकरी के लिए घूस दोगे? क्या कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हम अपने ऋण के पैसे वापस मांग रहे हैं तो क्या हम अनुचित कर रहे हैं? अनुचित कर रहे हैं, बिल्कुल अनुचित कर रहे हैं। ब्याज पे आओ, आओ ब्याज पे चढ़ो। अरे अरे देखो ना, ये इनको मुर्दा नहीं दे रहा अपना। मैंने सब सुन लिया। देखिए जॉब्स तो दोनों की इंपॉर्टेंट है और पैसे दोनों को ही चाहिए, लेकिन जीके जी पैसे चतुर्वेदी जी के है ना, आप लौटा दीजिए। पर आलिया जी, लौटा दीजिए प्लीज। गिन लो। चतुर्वेदी जी आप रिश्वत देकर नौकरी करेंगे? आलिया जी हमें आभास है कि असंवैधानिक है, विपरीत क्रिया है, किंतु जब मनुष्य की परिस्थितियां ही विपरीत हो जाए तो उस विपरीत परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, उसे अपना स्वभाव बदलना ही पड़ेगा ना भाई। लेकिन चतुर्वेदी जी, जो इंसान बुरी परिस्थिति में भी नहीं बदलता वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। आप ही की दी हुई किताब में पढ़ा था मैं,
लेकिन कोई बात नहीं, आपकी नौकरी के लिए ऑल द बेस्ट। आलो जीके जी को अपना एटीएम कार्ड दो। क्यों? दो ना। आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए जितने पैसों की जरूरत है आप इसमें से ले लीजिएगा। 6573। लेकिन आलोक जी 10,000 की जरूरत है। अरे 6573 कार्ड का पिन है। अच्छा महोदय, इस तरह कोई बाहर वालों को अपना पिन नहीं बताता। बाहर वाले कौन? हम तो अपने घर वालों को ही बता रहे। जाना जरूरी है क्या? अब आगे हची जी, अब पैसे कमाने हैं तो दुबई तो जाना पड़ेगा ना। अब हम 2 से 3 जो होने वाले हैं। अरे 4 भी तो हो सकते हैं, जुड़वा हो गए तो। फिर तो और मेहनत करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊं। आलिया पैकिंग चल रही है, जाने का मन बना लिया तुमने? जाना तो पड़ेगा ही ना, क्या है सिर्फ नाम में ही मर्चेंट है। काम तो किसी असली मर्चेंट के यहाँ ही करना पड़ेगा। सुन 2 मिनट है। देखा जी, और तू मुझे फिर से वही नौकरी वाली बात समझाने आई है ना, तू मुझे नहीं समझनी। तू हर बार यही करती है और मैं तेरी बात में आ जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं सुनने वाली। बस राबिया, मैं समझाने नहीं आई हूँ, कुछ देने आई हूँ। का जे का है जे मेरे कंगन, तो इनका मैं क्या करूं? इन्हें बेच दे। का? हाँ देख, इन्हें बेच के ना अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे और 2-3 महीने तुम दोनों के आराम से कट जाएंगे। इतने में तो जॉब मिल ही जाएगी और मर्चेंट को दुबई भी नहीं जाना पड़ेगा ना। तो पगला गई है का? ये तेरे कंगन है, मैं नहीं ले सकती इन्हें। अरे हमारे बीच में तेरा मेरा कैसा, ये रख। अरे आलिया, ये तेरे खानदानी कंगन है, मैं जानती हूँ तेरे बच्चे के लिए है। तेरे मेरे बच्चे में कोई फर्क है क्या? ये ले। मैं नहीं ले सकती, तू क्या बोल रही है ये, तुम समझाओ ना इसे कुछ। आलिया जी देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज ये सब मत करिए। देखा तूने, सुना ना उसने क्या कहा। देख अब तू जिद मत कर बस। क्यों जिद ना करूं मैं? अरे इतने सालों बाद मर्चेंट वापस आया है, अब फिर दुबई चला जाएगा। तू ले ये मेरी तरफ से जूनियर के लिए गिफ्ट, ले। ए, मुझे आदत है आलिया, और तुझे क्या पता फोन पे रोमांस का होता है ना? इतना ही रोमांस का शौक है ना, तो अलग अलग कमरों में बैठकर फोन पर रोमांस कर लेना तुम दोनों। क्यों नहीं समझ रही है, अपने बच्चे का सोच यार। इस वक्त तुझे मर्चेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। किले मैं नहीं ले सकती, बोला ना तुझे। तू ज्यादा नाटक करेगी ना तो हाथ मोड़ के दे दूंगी। किले खा बेटा और खा। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसमें पेट दर्द की दवा भी मिलाई है, खाइए। शाबाश शालिनी बेटा, इसे खिला खिला कर तगड़ा बनाना है। मैंने 3 बड़े लोगों से सेटिंग करके इसके लिए एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पक्की कर दी है। अरे जालिम, एटीएम पर फट जाएंगे हम, और कितना खिलाओगे? और खा तो 3 बातें बोलूंगा तुझे, मुंह बंद खा ज्यादा। अगर तू नौकरी नहीं करेगा तो मेरी बेटी की देखभाल कैसे करेगा, कैसे रखेगा उसे? अरे रख लेंगे ना ससुर जी, कुछ भी करेंगे, ड्राइवर ही करेंगे, किसी के चरणों के दास बन जाएंगे, शोरूम में लग जाएंगे। अरे आलिया जी वाले न्यूज चैनल में जॉब कर लेंगे ना, बोलो फिर। आलिया जी वैकेंसी है ना खाली? अरे चुप कर ढोंगी, मैं जानता हूँ तू काम से बचने के लिए ढोंग कर रहा है। अरे तुझे आता ही क्या है,
अरे चैनल में क्या तू ड्राइंग बनाएगा जाके? अरे हम कुछ भी कर लेंगे ना ससुर जी। नहीं, वो एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड ही बनेगा। अरे आलिया जी ने कुछ समझाइए ना। राजेश जी, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको वही करना चाहिए जो ये कहे। सुना, अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो शालिनी बेटी के साथ जो तेरे फेरे हुए ना, वो उल्टे फेरे करवा दूंगा। उल्टे फेरे? क्या कह रहे जालिम? शालिनी बेटी, इसके लिए गरम पराठे लेकर आते हैं, चलो। जहाँ पापा वहाँ मैं। तुम्हारे पापा क्या लिया जी? आप तो यही चाहती थी ना कि हम वो जॉब कर लें? जी, मैं उसी बारे में बात भी करने आई थी अभी आपसे। तो फिर मना क्यों कर दिया? राजेश जी, आप मेरे साथ आएंगे मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अपनों से झगड़ा करके नहीं, उनका दिल दुखा के नहीं, बल्कि उनका भरोसा जीत के, उनका आशीर्वाद लेकर। वो तो आप भूल जाइए आलिया जी, ये लोग हमें सिक्योरिटी गार्ड बनाकर ही छोड़ेंगे, रिपोर्टर बनने नहीं देंगे हमें। ना ना राजेश जी, ऐसा मत कहिए। कोई सच्ची कोशिश करे तो क्या मुमकिन नहीं है? ऑल द बेस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तुम लोग तो आए नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं यहाँ पर। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मानो क्रिकेट की टीम लेकर आएगी, है ना? वही बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी बात कर रहा हूँ। अरे टीटी की टीम तो बनी नहीं इससे। सर वो अरे सर... तुम तो चुप ही रहो, क्या बोल रहे थे? सर लड़की टैलेंटेड है, टीआरपी लेकर आएगी, टीआरपी बहुत अच्छी रिपोर्टर बनेगी। ये बनेगी रिपोर्टर? अरे इसके खुद के लोग इसे रिपोर्ट कर नहीं रहे। बड़ी आई थी लीडर बनने, ऐसी होती है लीडर? जी हाँ, ऐसी ही होती है लीडर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.